ए द्रौपदी। हाँ कह दे दुशासन। मेरे चक्रवर्ती सम्राट बड़े भाई दुर्योधन ने तुझे याद किया है। मुझे? हाँ। लेकिन क्यों? वो जाकर के तुझे पता लगेगा, जिसे तूने अंधे का अंधा कहा था, आज अंधों की महफिल सजी हुई है और भरे दरबार में उन अंधों के सामने तेरा नाच होगा। अच्छा। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हो? सुन ले। हाँ कहिए। तो मेरी भी बात सुन ले। कहते सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई इज्जत बर्बाद करे। द्रौपदी चाल मेरे संग में, द्रौपदी चाल मेरे संग में, अंधे का अंधा याद करे। बर्बाद करें? हाँ। अरे इज्जत उनकी बर्बाद हुआ करती है जिनकी कोई इज्जत होती है। इसका मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है? नहीं है कोई तेरी इज्जत। अरे डूब के मर जा कहीं। समझ में आता है क्या बोल रहा है तू? पांच 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 पतियों की जो नार होती है उसकी इज्जत होती होगी। ओहो। हाँ तो ये भी मेरी हिम्मत है, देख ले पांच पांच पति है मेरे। अच्छा तू करके देख ले, पता लग जाएगी। सुन ले। शर्म नहीं सेला कर ले मुंह जल जाका, खाया कर दे कर्म नहीं। सेला कर ले मुंह जल जाका, खाया कर दे कर्म नहीं। इन बातों से मेरा द्रौपदी होता हृदय नरम नहीं। बहु बेटी ने पूरी तक को हो यो छत्री का धर्म नहीं। तुम बहु बेटी ने पूरी तक हो यो हलका रामत जाने रहने दे। मत ज्यादा बकवास करे। सर पड़ जांगी, सर पड़ जांगी तेरे दुशासन। मेरा नंगा नाच देख के राजा
कोई साथी हिमाती इमदादी हो उसे याद कर लेना। अच्छा क्यों? क्योंकि ये दुशासन तुझे लेकर के आज भरी सभा में जाएगा। ओहो। और अंधों की महफिल में जो तुझे मिलेगा वही पता लगेगा। ऐसा एक काम कर, बॉडी सॉडी देख के बात किया कर, एक घुसा लग गया ना कला मुंडी खाता डोलेगा। शरीर बहुत कसीला है मेरा। अजी कुछ भी ना है। हाँ। और मेरा देख ले, सुन ले मेरी बात। हाँ, क्या दे? बात के रचने